ये मात्र 30 साल की हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि 70 से 75 साल की कोई बूढ़ी औरत है। मारपीट करता था? हाँ। तो आप रोकती नहीं थी, बोलती नहीं थी घर पे अपने? हाँ, मारते थे। क्या बोलते हैं, हमारे साथ कोई नहीं था। आपके साथ कोई नहीं था? नहीं, पहले नंबर तो उसके भाभी से अफेयर है। अच्छा, भाभी से अफेयर है? अफेयर है, गलत संबंध है, मेरी बहन को कुछ पता था। ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, हमारे लड़के साथ तो हो, अब कैसा किसी लड़की के साथ हो? हम नहीं जानते थे कि लड़की का हमारा ये नहीं कि हम दो रोटी खिला नहीं सकते, लेकिन लड़की तो दूसरे घर की होती है, शादी कर दे तो दूसरे घर लड़की जाएगी। कुछ था ही नहीं, अब इतना ही दिखी है, खुशी का माहौल यही है ना कि बस ये बोल रही है, इतना ही है उसके बाद। पापा पापा को जेल भिजवाओगे? बाबू, तुमको मम्मी कौन मारा है? जैसे कि नशा को उसको इंजेक्शन दे के 24 घंटा रखा गया था, कुछ खिलाया पिलाया नहीं गया है, इसी वजह से इसको ये सब प्रॉब्लम है। और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ स्पाइन में मारा गया इसको, भाग रही थी इसको मारा गया है वहाँ से। कि क्या कोई व्यक्ति इस तरह से बहसी फना कर सकता है? क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है? क्या सजा होना चाहिए ना, जेल एकदम। बोलेंगी तब, जब प्रशासन पूछेगा तब तो बोलेंगी आप? हाँ जरूर। देखिए सब, मेरी घर की पर्सनली बात अब नहीं रह गई है, मैं बस यही नहीं चाह रहा हूँ ना कि किसी मतलब कि किसी और के साथ ऐसा। देखिए अब देखिए, आपको दिखा रहे इंजेक्शन देने कहाँ दिया इंजेक्शन, आई देख लीजिए, देखिए इंजेक्शन दिया। अच्छा, ये इंजेक्शन का निशान है? इंजेक्शन देखिए एग्जिट किया। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और हम हैं सुमित कुमार। अभी हम बक्सर जिले के रघुनाथपुर गाँव में हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह की घटना हुई है एक महिला के साथ, जो कि आप सुनेंगे तो हतप्रद रह जाएंगे। कि क्या कोई व्यक्ति इस तरह से बहसी फना कर सकता है? क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है? क्या कि इस कदर तक कर दे? ये महिला जो हमारे सामने देखिए अभी लेटी हैं, इनकी शादी हुई थी 2018 में, और लगातार उसके बाद पति से लड़ाई रहती है। कुछ महीने डेढ़ महीने में भी लड़ाई शुरू हो गई, तो उसके बाद से ये घर पर अपने मायके रहने लगी, और फिर से 3 साल बाद इन्हें सुलह करके थाना में पूरी तरह से सुलहनामा लिखा के भेजा गया, और उसके बाद से पति ने कुछ दूसरा ही उपाय इन पे लगा दिया, और इनका स्थिति आज ये कर दिया है कि ये मात्र 30 साल की हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि 70 से 75 साल की कोई बूढ़ी औरत है। तो इस तरह से हाल किया गया, इन पे क्या कुछ हुआ है उनके भाई से हम समझेंगे। उनके माता जी हैं जो देख लीजिए इनसे ज़्यादा सही लग रही हैं। अब देखिए इनकी हालत ये है, इनकी इलाज चल रही है लगातार, तो इन्हें हम ज़्यादा नहीं तंग करेंगे, लेकिन भाई से बात करेंगे। आपका नाम विकास हुआ जी? विकास। क्या हुआ था विकास जी, और क्या कुछ हुआ, और कैसे इस तरह से हुआ? इसे तो एक साल से मतलब बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा है। मगर शादी 2018 में हुआ था, 4-5 साल हो गया। जाने के बाद ही मतलब 1 महीने तक थोड़ा बहुत किया था, तब मेरी अपनी बहन को लेकर हमारा क्या होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, लड़ाई झगड़ा, और इसको पेट में मारा गया था, तो मुँह सब लड़ा गया था। तो हमसे बोली कि हम जाकर घर पे ही बताएंगे। ऐसे तो वहाँ पे मिलने के लिए नॉर्मली हम गए थे कि चलो मिल लेते हैं, तो गए तो ये बोली कि हमको घर पे ले चलो अभी, तब हम बताएंगे। तो हम लेकर आए तो बताई कि हमको वहाँ पे मारा गया था। हम बोले कौन मारा है बताओ तुमको, तो बताई कि मेरी जेठानी गोतनी मारी हमको। अच्छा, गोतनी मारी थी? तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, तो नहीं नहीं बोले, वो इग्नोर कर दिए, मतलब इस पर कुछ बोले नहीं। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा बात का वो नोटिस एक बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो हम लोग उतना इग्नोर किए क्योंकि छोटा बात मैनेज हो सकता है। हम समझाए तो बहुत दिक्कत हो रहा था। उसके बाद घर पे लेके आए, 3 साल तक रखे मेरी बहन, प्रेगनेंट हो गई। उसके बाद बाबू हुआ, 3 साल तक घर पे रखे, बच्चा है भैया इनका। हाँ, उसके बाद वो फिर विदा हुई क्योंकि महिला थाना में केस भी हुआ था, यहाँ पंचायत स्तर में पंचनामा भी बना था, सब कुछ होने के बाद भी लेकर गया। लेकर जाने के बाद ससुराल में 1 महीना रखा, बात हुआ मुझसे, उसके बाद बात बोना कम कर दिया। बोला कि तुम लोग से प्रॉब्लम है, लड़की से हमको प्रॉब्लम नहीं। तो हम सोचे कि हम लोग से प्रॉब्लम बात मत कराओ, अगर लड़की को तो सेफ रखो। लड़की को इसी बहाने से ससुराल से बाहर लेकर गया, रखा 6-7 महीने तक रखा होगा, और 6-7 महीने के अंदर पता नहीं क्या किया, इंजेक्शन दे दिया है, बहुत मारा पीटा। इंजेक्शन दिया है? देखिए इनकी जो हालात है, पूरे चेहरे पे दाग वगैरह, बाल वगैरह आ गए हैं, और देखिए हाथ पैर वगैरह किस तरह से हुआ पड़ा है। तो ये इस तरह से पूरी चीज़, और शरीर का भी हालत एकदम इस तरह से हो गया है कि जैसे लग रहा है निर्जीव है इस तरह से। तो ये क्या मतलब कि आपको कैसे पता कि इंजेक्शन ही अप्लाई हुआ या कुछ इस तरह की चीज़ें हुआ? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लेकर आए थे, जो किस कंडीशन में, इसके मतलब आँख से दिख नहीं रहा है। अब बताइए 28 साल एज हो रहा होगा, 28 साल के एज में मान लीजिए कोई आँख से दिख ना दिखे, बॉडी का सांचा बदल जाए, फेस समझ में ना आए, मतलब हार्मोन चेंजेस इंजेक्शन इसको दिया गया। और अब डॉक्टर से मिले हम, तो डॉक्टर बताया कुछ इस तरह से मिले तो बोला ना कि जैसे कि नशा को उसको इंजेक्शन दे के 24 घंटा रखा गया था, कुछ खिलाया पिलाया नहीं गया है, इसी वजह से इसको ये सब प्रॉब्लम है। और यहाँ पे और यहाँ स्पाइन में मारा गया इसको, भाग रही थी इसको मारा गया है वहाँ से।
बताइए, नशा का इंजेक्शन दिया गया जिस तरह से इस तरह से हुआ है और डॉक्टर इनका इलाज चल रहा है तो लगातार गाइडेंस में इस तरह से बता रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो इनका कितना यंग है, कितना सुंदर दिख रही है उसमें, और आज भी इनका एज मात्र 30 साल है। तो सोचिए कि 30 साल की लेडी कैसी दिखती है और इनके साथ ये स्थिति की गई, इतना ज़्यादती कैसे कोई इंसान कर सकता, क्या रीज़न होगा, इतना नफरत क्यों था? नफरत का बात नहीं है, पहले नंबर तो उसके भाभी से अफेयर है। अच्छा, भाभी से अफेयर है? अफेयर है, गलत संबंध है, मेरी बहन को कुछ पता था तो हमसे तो नहीं, मेरे पापा से नहीं, मतलब बता नहीं रही थी, उसको शर्म लग रहा था, मगर हम लोग ऑब्जर्व किए, पता चला तो ऐसे ऐसा कंडीशन है। सबसे बड़ी बात कि अपने पिता को ही मार दिया। अच्छा, क्योंकि माना कि पिताजी इसको इसके फेवर में थे और माँ भी इसके फेवर में थे। अच्छा, अपनी बहू के फेवर में थे पिताजी? पिताजी ठीक थे, पिताजी आते थे, रहते थे, जाते थे, पैसा भी देते थे, मतलब आते थे तो कोई दिक्कत नहीं उनके हिसाब से। मगर वो गए, बोले कि हम विदा करवाएंगे, इस बार नहीं करेगा तो हम अपने बेटे के खिलाफ खुद FIR करेंगे। जाने के बाद वो 3-4 दिन बाद उसको मार दिएगा, पिता को ही मतलब अपने मार दिए। अच्छा, पिता माता सबको मार दिया इस तरह से किए, लेकिन उस आदमी के साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थाना पुलिस? नहीं, वो कार्रवाई भी नहीं होगी अभी से भी कर, क्योंकि वो मैनेज कर लिया, पैसा वाला तो है ही और थाना इसमें मिला हुआ। मेरी बहन का इस कंडीशन में हालत होते हुए कि क्यों हुआ कि 60% तो थाना मैनेज किया है। अच्छा, क्योंकि आज से नहीं, हम कम से कम 4-5 महीने से दौड़ रहा हूँ ना इसको लापता के संबंध में, कम से कम बहुत सारा आवेदन डाला मैंने, बोला कि सर कहाँ है पता लगाइए, मगर बोलो नहीं, हमको भगा दिया गया, मतलब कि हमको गुमराह किया गया है बहुत वहाँ पे कि ये सब मत करो, ये सब मत करो, खोजो, तुम खुद खोज कर पता लगाओ। प्रशासन मतलब मेरे पास सारा वीडियो है। अच्छा, ये कुछ दिन नहीं मिल रहे थे क्या? नहीं, कम से कम वो 5-6 महीने तो मिली ही नहीं, 6 महीने बाद हमको मालूम चला। ये थी कहाँ? तो बेटा थी और वहीं से गायब हो गई थी, मतलब ससुराल से ही गायब कर दिया गया था, और सब पूरे परिवार ही गायब हो गए थे। परिवार में बचा कर, जब माँ पिता को मार ही दिया है तो उसकी भाभी और उसके हस्बैंड तो भाभी के हस्बैंड कुछ नहीं बोलते क्या उसे अफेयर है? वो उसको मतलब उनको पागल बना के रखा जाता है। अच्छा, उनको ही पागल बना के। अच्छा, तो इस तरह का खिलाड़ी है कि उसे पूरा आइडिया है कि कैसे लोगों को परेशान किया जा सकता है। हाँ, वहाँ पे मेरी बहन के साथ हुआ है, वहाँ पे जब रूम में ताला बंद था तो हम लोग लेकर गए यहाँ पे, प्रशासन की हेल्प लिए, वहाँ पे डायरेक्ट 112 कॉल किए थे भेटा जाकर, मेरे मुखिया सरपंच मेरे साथ सब कोई था, तो मुझे मेरी बहन को पता चला कि यहाँ पे रखा गया है रूम में बंद करके और ये भाग रही थी तो इसको मारा गया है, बच्चे को ही मारा गया। बच्चे की वजह से सबसे ज़्यादा पीटी हुई है, क्योंकि सोच रही थी कि कोई माँ बच्चे के लिए, तो बच्चा को सोच के लेकर भागे तो इसको मार देगी, बच्चे को लेकर सोचिए इस तरह से। अब माता जी हैं आपकी, वो माता जी से भी हम थोड़ी बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ चाची, ऐसा क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ आपको? से तो बताती होंगी, आप तो माँ हैं। हाँ, बताई थी, सब बताई थी, लेकिन हम लोग ब्राह्मण हैं, जैसे मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, दूसरा एक लड़का है, हैं तो फिर ऐसा बात हो तो हम लोग रखे थे, लड़का भी यही हुआ था, इनके ससुर जी आते जाते थे, मान सम्मान सब कुछ करते थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा देखकर वो क्या कि मतलब किसी तरह का बात नहीं हो, वो अभी गार्जियन है, देखिए गार्जियन के ना रहने के बाद ये ऐसा काम किए हैं, उसके बाद भी लड़की के पैर पर गिरे, ये समाज है, ये आंगन में पैर पर गिरे, हमारे पर इसके पापा के, हमारी इच्छा नहीं थी हम लड़की को भी, लेकिन अब सोचे कि समाज है, लड़की को तो भेजना ही है, लड़की को ससुराल तो ससुराल भेजना, हम कितना दिन लगेगा, देखिए जाने के बाद ऐसा कांड हुआ। आप जानते कि अगर ऐसा होगा तो नहीं 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 ऐसा जानते, अब ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, हमारे लड़की के साथ तो हो, अब कैसा किसी लड़की के साथ हो, हम नहीं जानते थे कि लड़की का हमारा ये नहीं कि हम दो रोटी खिला नहीं सकते, लेकिन लड़की तो दूसरे घर की होती है, शादी कर दे तो दूसरे घर लड़की जाएगी, हम रखेंगे लड़की को, लेकिन ऐसा हो गया है, ये तो मतलब अभी इलाज चल रहा है बनारस। हाँ हाँ, इनका तो इतना सेवा हम करते हैं कि अभी दिख रही हैं, एक साल से हमसे बात यहाँ से ले गए, एक साल हमसे बात नहीं हुई इस लड़की से। अच्छा, नहीं बात नहीं करवा, कर नहीं दिया, नहीं उसका जिम्मेदारी था ना कि ले गई हमारे लड़की को बात करवाए, हमें लड़की से बात नहीं करवाता, जब ये हॉस्पिटल में गई उसके बाद हमको पता चला कि इस लड़की को हम देखे हैं, देखे तो हाँ गाँव पर, पता नहीं ये लोग कहाँ गए थे उसके बाद। तब जब ये आई थी आपके घर में खोज के लाए थे तब और बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा इससे बुरा हाल था, इससे भी ज़्यादा बेहतर, वो तो आँख भी नहीं खुल रही थी, लेकिन अब बोलती है, खाने पीने के लिए भी बोलती है, सेवा है, जितना हमसे सेवा हो रहा है माँ है, अब क्या करेंगे, माँ है तो करना पड़ेगा। इन नाम क्या है इनका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका नाम है, अच्छा भूल गए, प्रियंका क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, क्या कुछ हुआ प्रियंका आपके साथ, परेशान करता था लोग? जी, मारपीट, मारपीट करता था? हाँ। तो आप रोकती नहीं थी, बोलती नहीं थी घर पे अपने? हाँ, मारते थे, क्या बोलते बोल रहे हो, ये हमारे साथ कोई नहीं था। आपके साथ कोई नहीं था? नहीं। आप ठीक लग रहा है, आप कुछ ठीक लग रहा है आपको? ठीक ही है। अच्छा, अभी दर्द रहता है शरीर वगैरह में और परेशान नहीं रहता है? दवाई का ठीक है। और नहीं दवाई खाते तो नहीं? आपको कोई दवाई वगैरह देता था, सुई वगैरह देता था वो? हमको नहीं मालूम है।
अच्छा, ये सब नहीं मालूम है ना? नहीं। तो आपको मारता था वो पता है आपको? हाँ। अच्छा, उनका क्यों मारता था? उनका भाभी से कुछ लेना देना था इसलिए? हाँ। अच्छा, तो आप ठीक होंगे तो कभी जाएंगे वहाँ की? नहीं जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। नहीं। अच्छा, आप लोग पे वो, आप लोग कह रहे थे कि आप पे वो धमकी दे रहा है मारने का, ये करने का, वो करने का, तो आपको किस तरह का टॉर्चर हो रहा है, धमकी दिया जा रहा है इस तरह से? वो जैसे कि तुम केस उठा लो और उसे केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, उस एरिया में जाने पे जान से मारने के। मुझे सबसे ज़्यादा मेरे वो बच्चा बाबू है ना इसका, उसको जलाने का, वो तो मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, उसको जान से मारने का, जलाने का धमकी। वो तो पहले उसको ले गए थे तो उस तरीके से गंदा तरीके से रखा था, इसमें सिकड़ बांध के रखा था। 4 साल का बच्चा है क्या? बच्चा को सिकड़ बांध के रखा था? उस तरीके से रखा था, इसी थी बच्चा को सिकड़ बांध के रखा था वो? हाँ। ऐसा काहे करता था? ये लड़का हमारा है, तुम्हारा लड़का नहीं है। अच्छा। हाँ। वो कहता था कि उसका लड़का आपका नहीं है? नहीं, तो इसलिए ऐसा करता था? हाँ। लड़का हम लेंगे। हाँ। तुमको छोड़ देंगे हम। अच्छा, तो आपको छोड़ देंगे और लड़का लेंगे? हाँ। इसलिए कर रहा था? बताइए, ये भी समझ रही इन बातों को? ये फटा हुआ है ना अंदर सब? अच्छा, ये फटा हुआ है, देखिए, नहीं दिखा रहे आपको? हाँ, हाथ हाँ, में निशान था। क्या बच जाए? देखिए हाथ में, यहाँ पे हाथ में पूरा निशान है। ये कह रही है कि हमारा जान बच जाए, कि हम भाग गए इसलिए, भागे थे इसलिए कि जान बच जाए। हाँ। नहीं तो मार देता उस दिन। हमको क्या करेगा वो, सारे प्रशासन को बदनाम कर चुका है। अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, आप फोन करके हंस रहे हैं कि डीजीपी के पास गए हो, एसपी के पास गए हो। अच्छा, ऐसा कहता है कि डीजीपी के पास गए हो? हाँ सर, मतलब थोड़ा बेइज्जती, मतलब का इतना हमको गिल्टी फील होता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो इसीलिए पावर से ही उसके पास। हिम्मत नहीं है कि अब कहीं भी जाएं तो कुछ होगा? यही बच्चा नहीं, यही पूछ रहे हैं कि हम जाएं कहाँ। अब हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं ना कि मेरे पास आप रहते तो मेरे जगह पे क्या करते? मुझे धमकी मिला था कि तुम्हारा होगा तो गोली से मार दिया जाएगा, कि मेरा फोटो, मेरा भी फोटो दिया गया है मारने वाले को, तुम्हारा मत आओ। शूटर हायर किया सुने? हाँ, शूटर हायर किया, नहीं बोल रहे हैं कि मारने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि तुम आ रहा मत आओ, नहीं तो तुमको मरवा देगा, और आओ भी तो अपने साथ, मतलब किसी को लेकर आओ सेफ्टी। दूसरी से हम आ रहा नहीं जा रहे, मान लीजिए जब इसके पास इतना पैसा है तो कुछ भी हो सकता, कर सकता है ना वो। और मगर हाँ, एक बात आपसे बोलेंगे, मैं हार गया हूँ सिर्फ प्रशासन की वजह से, मैं उसे हारा ही नहीं हूँ। शर्म तो उसको आना चाहिए ना, एक औरत को रूम में बंद करके कोई इंसान मार दे तो ये बहुत कहाँ सी बड़ी बात है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, उसको औकात ही होता है। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मार दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे औकात है तो मुझे गोली मार देना, वो अच्छा है, मुझे मर जाना अच्छा है, मगर इतना ही बोलूँगा, लड़ूंगा अच्छे से, मुझे न्याय चाहिए। अन्याय मेरी, अब मेरी बहन का पर्सनली बात नहीं रहा ये, ऐसे होते रहेगा तो इस लोगों का मन बढ़ते रहेगा, ऐसे कोई और करेगा। अच्छा है कि मुझे जान से मार दिया जाए, मैं मर जाऊँ वो ठीक है, मगर लड़ूंगा इस समय, जहाँ हद तक हो। ये रास्ता प्रशासन नहीं कुछ कर पाएगा, और रास्ता मिलेगा, हौसला रखना है। और नहीं रहेगा, सबसे बड़ा बात, मेरा साथ कोई दे या ना दे, महादेव है ना, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना, उनके दरबार में ना सही इंसाफ होता है। बस मेरे पास वही ऑप्शन है, और मेरा हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए जिस अवस्था में हम लाए थे ना, वो डेथ बॉडी था, डेड बॉडी था, आँख नहीं समझ में आ रहा था और चेहरा का फेस कटिंग समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कुछ ठीक हो, आँख से भी नहीं दिख रहा इनका, आपको नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा अभी भी, दिखाई नहीं दे रहा उसको। देखिए अब, देखिए आपको दिखा रहे हैं, इंजेक्शन देने कहाँ दिया इंजेक्शन, आई देख लीजिए, देखिए इंजेक्शन दिया। अच्छा, ये इंजेक्शन का निशान है, इंजेक्शन देखिए एग्जिट किया, आवाज़ से पकड़ लेती है कि मम्मी है, पापा है। अच्छा, आवाज़ से पकड़, तीन को दिखाई नहीं दे रहा मतलब? नहीं, अब तो मुझे ये पता नहीं था, मुझे आँख में इंजेक्शन दिया जाता है तो मुझे पता ही नहीं था अब तो। नहीं, हमको भी नहीं पता, पहली बार ये सुन, ये चीज़ हम भी पहली बार ही देख रहे हैं कि मतलब हम आपसे क्यों बोले कि हम हार गए हैं, इस पर्पज से नहीं हारे कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, इस पर्पज से हारे है ना कि कानून, कोई इंसान निर्दयी कितना हो सकता है और कानून कितना अनसुना कर सकता है। बीत रहा है ना, जो मेरे में बीत रहा है ना, सिर्फ हम जान रहे हैं। बताइए कि मैं जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गया हूँ, उस हॉस्पिटल में गुंडे भेजे जा रहे हैं, समझ। अब 24 मेरा एज है, आप सोचिए 24 साल के लड़के में क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। मैं कभी सोचा था कि मुझे थाने में जाना पड़ेगा, इसी एज पे किसी में FIR दर्ज करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। मेरा ऑलरेडी समझ रहे हैं, मेरा ऐसे ही पानी वगैरह पिलाना पड़ता है, ऐसे ही एकदम कार्रवाई कराएंगी आपके पति पे जो इस तरह से हरकत किया, वो कार्रवाई होना चाहिए ना? हाँ, उसको सजा होना चाहिए ना, जेल एकदम। हाँ, बोलेंगी तब, जब प्रशासन पूछेगा तब तो बोलेंगी आप? हाँ हाँ, जरूर, ठीक है। देखिए कह रही हैं आप एकदम, देखिए हम ये चाह रहे हैं ना, देखिए इस बात से हम बहुत खुश हैं, सच बता रहे हैं, इस बात से हम बहुत खुश हैं कि बस बोल रही, कुछ था ही नहीं अब इतने ही, देखिए खुशी का माहौल यही है ना कि बस भी बोल रही है, इतना ही है उसके बाद।
नहीं विकास जी, परेशान नहीं होइए, आपके जैसा भाई जिस बहन के पास हो और इस कदर लड़ रहा हो, इस कदर चीज़ें कर रहा हो और ये कह रहा हो कि चाहे जितना पैसा लगे हम लगा लेंगे, पैसा मायने ही नहीं रखता और हम जो भी करना करेंगे, तो इससे बड़ी चीज़ एक बहन के लिए नहीं हो सकता कुछ भी। क्या आप इतना साथ थे? देखिए सारे साथ क्यों नहीं है, जो भाई और बहन का भाई साथ छोड़े तो उसका दुनिया में कौन होगा, माँ बाप साथ छोड़ दे दुनिया में होगा कौन। वो जितना हम इतना ही बोल रहे हैं ना, गंदा ब्लड है वो, काम उसको नहीं करना चाहिए, उसके पास पता नहीं सेंस नहीं है। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये बोलूँगा, मुझे उससे कुछ भी पर नहीं है, क्योंकि वो बस वो जो कर्म किया है ना, बहुत गंदा काम किया है, उसको नहीं रखना था तो गंगा पे आकर पहुँचाया था, सिंपल बात है, पहुँचाया था। हम लोग थोड़ा बोलते जबरदस्ती रखो, जब 2.5 साल घर पे रखे तो रखते भाई, तो सिंपल बात है, अरे पहुँचाया था, रख भी रहे, अरे जिंदगी भर, अरे क्यों नहीं, अरे अरे किसी की, देखिए सब मेरे घर की पर्सनली बात अब नहीं रह गई है, मैं बस यही नहीं चाह रहा हूँ ना कि किसी, मतलब कि किसी और के साथ ऐसा कुछ, एकदम नहीं। और आपकी लड़ाई बहुत जेन्युइन है विकास जी, और देखिए थोड़ी सी इमोशनल समय भी है और हमें भी बुरा लग रहा है, मतलब इनकी बातें सुनकर, इनके हालात देखकर लगता है कि क्या ये सब हो रहा है और कार्रवाई तो होनी चाहिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को पहुँचाइए लोगों तक, और इतना कि प्रशासन को कम से कम शर्म तो आए कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह के आप प्रशासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की, एक व्यक्ति इतना कमीनापंथी पर उतर सके कि अपनी ही पत्नी के साथ इस तरह से करे, तो क्या और लोग भी ये करेंगे क्या? तो इस तरह का एग्जांपल सेट होना चाहिए कि उस पर इतनी कार्रवाई हो। देखिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, जो हुआ है वो तो कोई लौटा सकता है नहीं ना, मैं ही इसको लौटा नहीं सकता हूँ, मैं भाई हूँ तो क्या, पीड़ा में मैं दर्द दवाई करा सकता हूँ, जाँच करा सकता हूँ, ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, ख्याल रख सकता हूँ, जो इसके अंदर पीड़ा हो रही है तो मैं झेल नहीं सकता हूँ, ये तो मेरे अंदर है ना। हाँ। मगर मेरा यही मुद्दा रहेगा, किसी बिहार में ये कंडीशन किसी बहन के साथ ना हो, मतलब मैं डर गया हूँ, बस इस चीज़ से डर हूँ कि किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, ऐसा, क्योंकि आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कितना लोग था आवाज़ नहीं उठाता है ये चीज़, मतलब नहीं उठाता है, मगर मेरे पास, मैं बता रहा हूँ कि मेरा ऑलरेडी मेरा जिंदगी इतना अच्छा चल रहा था, मेरा जॉब रिजल्ट आया है बिहार पुलिस में, एक्साइज कॉन्स्टेबल 689 पोस्ट पर वैकेंसी आया था, उसका रिजल्ट मेरा आ चुका है, मेरा कुछ और था मगर हो गया कुछ और, ऐसा लग रहा है ना कि ये सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं, अच्छा, इतना खत्म नहीं हुआ है, होप रखिए थोड़ा सा। मेरा इतना छोटा सा फैमिली है, क्या है इसको दिक्कत था, उसके पास इतना घर पे खाना नहीं था, था एकदम था, इतना ये क्या मांगती थी, खाना ही ना चाहिए। देखिए बच्चा कितना प्यारा सा है, इसका भविष्य क्या होगा ये समझना है, और एक पिता है जो कि इस बच्चे को सिकड़ में बांध के रखा, तो ये बहुत गलत बात है। बाकी आपकी राय क्या है? सब बताएगा, पूछिए ना, बच्चा है, पिटते थे पापा, पिटते थे? हाँ। किन को, आपको कि मम्मी को? मुझको, मम्मी को। आपको भी? हाँ। कैसे पिटते थे? झाड़ी से। झाड़ू से? झाड़ी से। झाड़ी से? हाँ। तुम रोते नहीं थे, मना नहीं करते थे आप? रोते थे। करते थे? हाँ। रोते भी थे? हाँ। तब भी नहीं छोड़ते थे? नहीं। आपको बांधते वगैरह भी थे, सिकड़ वगैरह से भी? हाँ। बताइए, 4 साल एज है ना? हाँ, 4 साल एज है। बताइए बच्चा को, अरे पूछिएगा तो बहुत कुछ बताएगा, ये तो हम सोच रहे हैं ना कि भगवान किसका दिमाग इतना तेज है, ये सब चीज़ उपलब्ध है, इसकी इसको लेकर भाग रही थी। हाँ, आपको आपको लेकर भाग रही थी तो तब पीट रहा था? हाँ। तो पुलिस को बता दोगे ये बात? पापा? हाँ। पापा को जेल भिजवाओगे? हाँ। बाबू तुमको मम्मी कौन मारा है? मुकेश पापा, बड़की मम्मी, बड़का पापा। बड़की मम्मी, बड़का पापा बोल रहा है। चलिए, और ये सब कुछ भाभी के चक्कर में हुआ? देखिए भाभी जो है ना, अरे वो क्या बोले, वो एक भी औरत है, अरे बताइए, वो भी एक महिला, और मैं ये नहीं बोलूँगा, बस सम्मानजनक है, महिला है, जो भी है, भगवान ना करे कि वैसा महिला ना धरती पे रहे। चलिए यहीं तक कर रखेंगे, और देखिए शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। और देखिए ये खुद भी डरे हुए हैं, डरे क्यों नहीं, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि थाना पुलिस सब अगर मैनेज कर ले रहा है, अगर ये ऐसा ये कह रहे हैं तो सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। कि आपकी राय? व्यक्ति रे सच विहार, नमस्कार।